रमदम एक्शन में भाई भाई आज आप बनाऊंगे भाई अपना पोटास डीएपी यूरिया, जैसे कि हमारे ज़मीन में जिंक की, सल्फर की, मैग्नीशियम की जो कमी रहती है हम उसको पूरी करेंगे हम। जैसे कि अपने फसल में, हर एक फसल में अपना 1,000 2,000 3,500 लीटर वेस्ट कम्पोस्ट छोड़ते हैं। वो जैसे कि आप शुरुआत कर रहे हैं, आप क्या डाल रहे हैं सबसे पहले, या फिर आपको आपने या बेल वर्गीय कोई सब्जी लगाई है आप उसमें 0.5 किलो डाल दिए खाद। आपको जैसे कि आपने आप बेल स्टार्ट हुई है 3-4 पत्ती निकली है, आप उसमें 2 मुट्ठी डाल दें। 2 मुट्ठी डालने के बाद आपको फिर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप एक ट्रॉली गोबर ले, देसी गाय का, या फिर कोई सी गाय का ले सकते हैं, भैंस का ले सकते हैं। ये मैंने इसमें केचुआ छोड़ दिया था, हमारी ये 3 ट्राली थी हमने डाल रखी थी, और 3 ट्राली में मैंने 2 किलो केचुआ डाला था। डालने के बाद मेरा कम से कम 80% खाद तैयार हो चुका है। हम इसमें मिक्स कर देंगे अपना मुर्गी खाद। जैसे आपने अब की बार 3 ये मिक्स किया है, आप इसमें अच्छे से काट लगा के मिक्स करके आप 3 दिन के लिए रख दें। रखने के बाद आप इसमें फिर अपना जीवामृत डालें, कम से कम 200 लीटर, 200 लीटर या 400 लीटर डाल सकते हैं आप। डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर छाँव में रख दें। 3 दिन बाद आप इसमें गुड़ डालें 10 किलो, और उसको भी ऐसे ही करना है जैसे कि जो तिलन है अपने, सोयाबीन है, सरसम है। जैसे आप सरसम कट्टा ले लें 40 किलो, 40 किलो आप सरसम ले लें, 10 किलो आप मूँगफली ले लें। जैसे कि आप जो 20 किलो बाकी रह गया आप उसमें आपकी तिलन है आप वो ले सकते हैं। उसको अच्छी तरह से पीस के आप इसमें डाल दें। डालने के बाद फिर आप इसमें जो आपका एक कट्टा आप इसमें वो डाल दें, नीम की खली का, या फिर अपन नीम बोली या फिर पत्ते होते हैं नीम के, वो डाल दें। डालने के बाद में हमने जो सेमी है हमारा, वो हमारा कांग्रेसी घास है, मैंने इसको वहाँ अच्छी तरह से सड़ा के रखा था। मैंने इसमें 1 क्विंटल में 1 किलो नमक डाला था, जो कि उसमें बीज होता है वो अच्छी तरह से गल जाए। और हम वो भी इसमें डालेंगे जो हमारा पोटास का और यूरिया की पूर्ति पूरी करेगा। साथ में हम इसमें 20 लीटर लस्सी डालेंगे। डालने के बाद आप इसमें भाई खेत में अपने में, जैसे कि आप खेती करते हो, आप आधी टाली लगा सकते हो फसल बोन था पहले ही, आप दी टाली बता भाई 1 1 किलो लेना है, या फिर आप फसल के साथ आप ले सकते हो। आप बेड लगा रहे हैं, बेड पे आप गेस सकते हैं, जो आपकी फसल में कमी हुआ है जिंक की, ज़्यादातर जिंक की रहती है भाई, जिंक सल्फर मैग्नीशियम जो आपकी न्यूट्रिएंट की कमी रहती है वो पूर्ति करेगा इसकी। और साथ में आप 2,500-3,000 लीटर पर एकड़ जो हमें छोड़ें भाई, आप यूरिया डीएपी ना भूल जाओगे कम से कम भाई 2 साल के बाद, 3 साल बाद, जो आप जड़ा है आप 25-30 हज़ार रुपये खर्चा कर चुका है, 60 मन गेहूँ काट लो थे ओडा भाई 0 खर्चे पर, 60 मन के भाई आप अगर करते ना लगातार 80 मन भी काटोगे भाई, 90 मन भी काटोगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।